इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या बात, पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं, हाँ? नहीं तो सर जरूरत ही पूरी हो पाएगी, क्वेश्चन नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना। कल अकाउंट में जमा करवा देना, इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, हजार रोटी। और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे दो जगह और डिलीवरी देने
जाने। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी मैं तू तो नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ पैसे भी पूरी कर सकूं। कि मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धक्का देगा। अरे सॉरी पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ लेकिन उससे समझ आज आपने मुझे दिखा दिया पापा। I'm sorry पापा, I'm sorry। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। I promise पापा, I promise।